नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से ये ट्वीट किया गया है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग दे सकते स्पष्ट लिखा है को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए दिए निर्देश। सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जल्द नियमावली पर लगेगी मुहर। अगले कैबिनेट की बैठक में नए नियमावली पर लग सकती है मुहर। 10 दिसंबर बाद सातवें फेज की बहाली का जारी होगा विज्ञापन। तो देख सकते हैं कि सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग को शिक्षक के खाली पदों को भरने के दे दिए हैं निर्देश। सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जल्द नियमावली पर लगेगी मुहर। तो स्पष्ट कह दिया है सीएम नीतीश ने और शिक्षकों के खाली पदों को भरने का निर्देश भी दे दिया है और कह दिया है कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जल्द नियमावली पर अब जो है वो मुहर लगने जा रही है। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 के सूत्रों से एक ब्रेकिंग खबर आ रही है सामने उभर के कि सीएम नीतीश ने दिया है निर्देश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश कि जल्द शिक्षकों के खाली पदों को भरने का काम करें। तो देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट आ रही है। आखिरकार मुख्यमंत्री ने कर दिखाया, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक बड़ा काम किया गया है। शिक्षकों के खाली पदों को भरने की कवायद अब कहीं ना कहीं तेज होती हुई नज़र आ रही है और स्पष्ट निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। वहीं देखिए, आज है भाजपा कार्यालय में सातवें चरण के अभ्यर्थियों का संवाद कार्यक्रम बन सकती है विज्ञापन पर बात। कहीं ना कहीं सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज भाजपा कार्यालय में जाकर बात भी की है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया है। सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं कहीं ना कहीं अब जो हैं टेट बीटेट पास अभ्यर्थी बीजेपी का समर्थन लेने पहुंचे हैं और बीजेपी के समर्थन के द्वारा अब कहीं ना कहीं जो है नियोजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज बड़ी संवाद हुई है और संवाद में बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं जो बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, यहाँ पे देखिए संजय जायसवाल जो हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से समर्थन जताया है। समर्थन जताने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे कहा है कि बहाली की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। आप लोगों को कहीं ना कहीं जब लोकसभा राज्यसभा में ये मुद्दा उठा था बहाली का, उस समय भी चंद्रशेखर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, कोई भी देरी नहीं होगी इस प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया में। लेकिन अगर देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखिए लिखा है कि आज है भाजपा कार्यालय में सातवें चरण के अभ्यर्थियों का संवाद कार्यक्रम बन सकती है विज्ञापन पर बात, ऐसा कहा जा रहा है। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल के माध्यम से। जो भी अपडेट आएगी हम सीधे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कभी संदीप सौरभ तो कभी दे सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थी, किसी न किसी तरीके से जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ जो है हमें मिल रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन पर बात बन सकती है और जो हमारा विज्ञापन है दोस्तों वो जारी हो सकता है। तो फिलहाल तो मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दे दिए हैं और 10 दिसंबर का समय दिया है, कहा है कि 10 दिसंबर के बाद जो है सातवें चरण की शिक्षक बहाली पर मुहर लग सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।